अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है मैं है इधर ऑक्शन पे, टोयोटा का ही ऑक्शन है CHUB, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि गाड़ी यहाँ से जापान से पाकिस्तान किस तरह आ सकती है। तो इसके लिए जो है मैंने जो तकलीफ़ दी है अमजद साहब हैं, तो हमारे दोस्त अमजद साहब को हमने तकलीफ़ दी है, तो हम थैंक यू, हम शुक्र गुज़ार हैं कि उन्होंने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। तो ये हमारे साथ हैं अमजद साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम सुना है? तभी सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमजद साहब जो है कितने सालों से आप इस बिजनेस में हैं, मतलब गाड़ी? मुझे 31 साल हो गए। 31 साल, तो अब इतनी तो मेरी एज भी नहीं है, तो जितने एक्सपीरियंस है इनको, तो इसलिए मैंने इनको कहा कि ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता तो हमें अमजद साहब वो बता देंगे कि सारा प्रोसीजर किस तरह काम करता है। और पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज़ में? पाकिस्तान के अलावा मैं आयरलैंड में और इंग्लैंड में करता हूँ। आयरलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, तो ये इन कंट्रीज़ में काम करते हैं। तो अभी जो है जिस तरह जो है प्रोसीजर के, सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है, गाड़ी किस तरह आती है, शिपमेंट चार्जेस कितने होते हैं और क्या कानून है उसके लिए कि गाड़ी यहाँ से हम उठाते हैं तो वो फिर उसमें क्या क्या, उसमें टैक्सेस क्या होते हैं, जापान के टैक्सेस, फिर पाकिस्तान में कस्टम टैक्सेस और क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, तो इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा। गाड़ी जापान में ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। बाज़ लोग जो है वो कंट्री साइड पे निकल जाते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं, तो कुछ मैकेनिकली प्रॉब्लम उसमें आ जाती हैं। तो ऑक्शन, मैं तो शुरू से ही ऑक्शन से ही गाड़ी ऑक्शन खरीदते हैं, ठीक। ऑक्शन का ये होता है कि गाड़ी जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो बाज़ का तो छोटा सा भी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो वो फिर आपकी जो ना अपनी वो क्या उसको कहते हैं, रिस्पांसिबिलिटी, आपकी रिस्पांसिबिलिटी होती है, सही। तो वो उसके ऊपर ज़रा फ़र्क आता है, फ़र्क आता है, सही है। तो मतलब ऑक्शन की जो गाड़ी होती है वो ऑथेंटिक होती है, वो ऑथेंटिक गाड़ी होती है, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो वो उन्होंने लिखा होता है ऑक्शन शीट में, पता ऑक्शन शीट में लिखा होता है कि उसमें गाड़ी में ये फॉल्ट है, ठीक। और दूसरा ये है कि अगर उसमें ना भी लिखा हो उन्होंने तो हमारे पास 3 दिन का मार्जिन होता है कि हम जो है वो गाड़ी उसके, अगर उसमें से कोई ऐसा फॉल्ट जो उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, हम गाड़ी निकाल के ले गए हैं तो उस गाड़ी का हम बता सकते हैं जी इसमें ये फॉल्ट है, ठीक है, तो वो उसका हम ऑक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो इस वजह से, इस लिहाज से थोड़ी सी तसल्ली होती है कि गाड़ी जो है ना वो अच्छी होगी, ठीक है। तो गाड़ी हम ऑक्शन से ख़रीद लेते हैं, ठीक है। और मेरा तो ये तरीक़ाकार है कि यहीं से फिर मैं वो जो ट्रायला वाला है उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो गाड़ी पोर्ट में डाल देता है, हमारी कंपनी के नाम से गाड़ी पोर्ट में चली जाती है, ठीक है। जो ही ऑक्शन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट्स जो शिपिंग कंपनी को देते हैं तो शिपिंग कंपनी के हवाले गाड़ी। अब जिस तरह किसी को, एक पाकिस्तानी को गाड़ी चाहिए जी, ठीक है, वो ख़रीदना चाहता है जी, तो वो मतलब उसका फिर क्या प्रोसीजर होगा और आगे उसमें क्या, मतलब पाकिस्तानी है मसलन, हर बंदे ने की अपनी एक ज़रूरत है कि उसको क्या गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, फिर उसको कौन से मॉडल की गाड़ी चाहिए, कौन से साल की गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो जब वो अपनी बताते हैं, रिक्वायरमेंट बताते हैं कि हमें ये स्पेसिफिकेशन है, हमें इस ये गाड़ी चाहिए, ठीक है, तो हम कस्टमर को उसकी प्राइस बता देते हैं, अच्छा, कि ये गाड़ी जो है, अब पाकिस्तान के लिए ये है कि उसकी शिपिंग के पैसे भी यहाँ पर देने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरे मुल्कों में तो होता है कि गाड़ी के जो शिपिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, जो शिप का किराया वगैरह होता है, वो वहाँ भी पे कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छा। तो हम कस्टमर को गाड़ी की प्राइस और शिपिंग पर चार्जेस बता देते हैं कि ये गाड़ी है आपको इतने तक की पाकिस्तान में पहुँच जाएगी, ठीक है। बाकी उसका कस्टम क्लियरेंस के ऊपर क्या है वो उन्होंने फिर अपने खुद क्लियरेंस, अच्छा, वो क्लियरेंस उन्होंने खुद करवाना, वो उन्होंने खुद करवाना, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, अच्छा, आप उसकी जिम्मेदारी, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, मतलब आप इस तरफ आपको नहीं बता पाएंगे कि जहाँ से गाड़ी पाकिस्तान तक पहुँच गई जी, मतलब आपने यहाँ से उन्होंने आपको कहा जी, जी, वो गाड़ी आपने पाकिस्तान के पोर्ट तक पहुँचा दी, पोर्ट तक पहुँच, आगे वो जाने, आगे वो जाने और जाने, हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गाड़ी जो है चढ़ा के उसका जो बिल ऑफ लेडिंग है वो हम कस्टमर को भिजवा देते हैं कि जी ये आपका बिल है, अब आप निकलोगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर तरीके से काम होता है, कोई बंदा कहता है हम अपने सोर्सेज से करवा लेंगे, आप हमें गाड़ी भिजवा दें, अच्छा, तो हम उस चक्रों में नहीं पड़ते, हमारा वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो सारी है, अगर एक दिन लंबे अरसे से काम कर रहे हैं लेकिन उस चक्रों में हम पड़ते नहीं है, वो ऐसे फिर सरदर्दी होती है, सही। तो फिर वो कस्टमर जो है वो, मतलब आप उसको पोर्ट तक पहुंचाने की रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं, फिर कस्टमर अपना कोई एजेंट देखता है, एजेंट देखता है, हाँ जी, और फिर वो गाड़ी वहाँ से एजेंट के थ्रू वो गाड़ी निकलवा देता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है जिस बंदे को गाड़ी चाहिए तो उसकी
क्या प्रोसीजर, पेमेंट प्रोसीजर क्या होता है जब आपने उसको इनवॉइस बना के भेजा, करो आपके कितने चार्जेस होते हैं गाड़ी के और शिपमेंट कितने चार्जेस होते हैं, ये जरा इसके बारे में थोड़े बताएं। उसके ऊपर कोई फिक्स नहीं है अच्छा, कि हमारा इसमें मार्जिन कितना है। अच्छा, वो गाड़ी पर डिपेंड करता है, मतलब गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि इंटरनेट का दौर है, ठीक है, तो उसमें कोई जो है ना वो सीक्रेट नहीं रह गया, नहीं रह गया। हाँ। कस्टमर पाकिस्तान में बैठा बैठा भी चेक कर लेता है गाड़ी की जापान में मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उस मार्केट वैल्यू में से हमने अपना मार्जिन निकालना है। ठीक है, तो कस्टमर को हम अंदाज़ा लगा के कि अच्छा ये गाड़ी मैंने इतने की आजकल इसकी मार्केट रेट चल रहा है, तो उसमें से अपना प्लस माइनस करके हम उसको कस्टमर को हम बता देते हैं कि जी ये इतने की गाड़ी आपको पाकिस्तान पहुँच मिल जाएगी गाड़ी। ठीक है, और पेमेंट जो है वो 100% एडवांस होगी। 100% एडवांस, मतलब पहले उनको पे करने फिर यहाँ से गाड़ी जाएगी, गाड़ी चल जाएगी, उसी जिम्मेवारी है क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ। तो क्योंकि पाकिस्तान वगैरह से पैसे आने में भी कुछ बाद लोगों को आम जो बायर होता है उनको प्रॉब्लम होते हैं। सही। तो हमारी पेमेंट रुक जाए तो क्योंकि ऑक्शन में हमने फॉरन पेमेंट करनी होती है, गाड़ी निकालनी है तो हमने पेमेंट करनी है गाड़ी की ना। ठीक, बंदा मतलब आपको पोर्ट तक पहुँचाने की वो देता है, पोर्ट तक, तो उसमें जो है आपके चार्जेस भी, आपके अपने चार्जेस हर चीज इंक्लूड होती है, हर तो भाई ये मेरी है कि मैंने कितने में भी गाड़ी उठाई तो मैं इस रेट में पोर्ट तक पहुंचा, इस रेट तक पहुंचा दो, क्योंकि मार्केट है, ओपन है मार्केट, सबको रेट का पता है। सही। तो हम अपने उसमें बीच में से थोड़ा सा मार्जिन रख के बीच में कर देते हैं, वो मेरी ऊपर है कि वो मुझे उसमें से $200 बचता है, 300 बचता है, 500 बचता है, 1000 बचता है। ठीक, वो फिर मेरी सरदर्दी, हमारी सरदर्दी हुई। सही सही सही। और अब फिर वहाँ की प्रोसेस के बारे में कि एक एजेंट जो होता है जी कितना लेता है, इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे कि कितने चार्जेस होते हैं, क्या प्रोसेस? हर एजेंट का अपना तरीका, अपना तरीका होता है। ठीक है, कि कौन सा एजेंट है, फिर उसमें कस्टम की बात तो फिक्स होती है। ठीक है, बाद पाकिस्तान में आपको पता फिर चलता है, सब कुछ चलता है। मतलब वो अगर कस्टम में किसी का होता है बंदा, तो वो कोई मतलब जुगाड़ वुगाड़ निकाल के मतलब पैसे करते हैं। मतलब हमें उस चीज़ का डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको पता है कि क्या हो जाता, क्या होता है पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई कस्टम में है और कोई आप जुगाड़ चाहते हो तो खुद ही देखो, हमें मतलब उस चीज का खुद ही नहीं इलम, और ना हम उसमें पढ़ते हैं जी, हम करते हैं सीधा सीधा काम। तो अभी हम चलते हैं, वो भाई दो गाड़ियां मैंने चेक करनी है। हाँ। तो फिर बताते हैं हम गाड़ी को किस तरह चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हम आपको दिखाएंगे, अमजद साहब हमें बताएंगे कि जब अमजद साहब को कोई गाड़ी जब उठानी होती है, किसी कस्टमर ने गाड़ी मांगी है, तो वो गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो देखने की होती हैं। तो चले अमजद साहब दिखाएं हमें। तो ये आप देख रहे हैं गाड़ियों का समंदर, देख रहे हैं आप कितनी गाड़ियाँ हैं, और ये तो अभी एक दो यार्ड है, एक दो यार्ड के और बेशुमार गाड़ी आज की ऑक्शन में तकरीबन 4200 गाड़ी है। चार और ये ऑक्शन हर हफ्ते होती है, हर हफ्ते होती है, हर हफ्ते होती है। सही सही सही। अब डिफरेंट किस्म के एक्सपोर्टर होते हैं, ठीक है, कुछ ये होते हैं जो इस तरह के रिस्पॉन्स, कुछ इस तरह भी होते हैं ना, हम जैसे आपके हम गाड़ी आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे जी जी, मतलब क्रॉस करके सारा कस्टम्स क्लियर करवा के, वो भी हैं। लेकिन हम जैसे आप जो है वो वाला काम नहीं करते। सर मैं फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि कोई इस तरह का भी जो है एक्सपोर्टर मिल जाए, उनका भी एक इंटरव्यू हो जाए जो कस्टम भी क्लियर करवा के देते हैं, तो मैं उसमें ये पता लग जाएगा कि कस्टम में फिर क्या प्रोसीजर है, क्योंकि हम जैसे आप कस्टम वो काम करते हैं कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, और सरदर्दी है किस्म की, तो इसलिए जो है मैं ऐसा भी कोई बंदा इंटरव्यू करूँगा, बंदे का एक्सपोर्टर का, जो आपको फर्दर उसके बारे में बताए। जी जी।